अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, जैसे कि आज का लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर 52 है और लेक्चर नंबर 51 में जो हमने पढ़ा आज थोड़ा सा उसको ओवरव्यू कर लेते हैं ताकि और बेहतर हो जाए हमारा। चैप्टर 16 में हमने नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट की हुई थी, ठीक है। जैसे कि हमें पता है कि नॉर्मल जो प्रोबेबिलिटी होती है ये कॉन्टीन्यूस डाटा के लिए होती है, तो लिखा हुआ यहाँ पर ये जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है ये कॉन्टीन्यूस वेरिएबल के लिए। कॉन्टीन्यूस वेरिएबल वो वेरिएबल्स होते हैं जिनमें कॉन्टीन्यूटी पाई जाती है, जैसे कि वेट हो गया, हाइट हो गया, एज वगैरह हो गया, ठीक है जी। उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी कुछ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। पहली प्रॉपर्टी ये पढ़ी थी, इट हैज़ बेल शेप्ड सिमेट्रिक कर्व। बेल शेप सिमेट्रिक कर्व का मतलब होता है ये सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होती है, इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है सिमेट्रिक होती है, यानी कि जो कर्व बनती है तो ये एक बेल शेप कर्व बनती है, ठीक है। बेल शेप कर्व का मतलब होता है कि जितना डाटा हमारा लेफ्ट साइड पर है उतना ही डाटा हमारा राइट साइड पर है, ठीक हो गया जी। इट्स रेंज माइनस इन्फिनिट टू प्लस इन्फिनिट, हमें पता है ये माइनस इन्फिनिट होता है और ये हमारा प्लस इन्फिनिट होता है, ठीक हो गया। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज यूज फॉर कॉन्टीन्यूस डाटा, ये कॉन्टीन्यूस डाटा के लिए यूज़ की जाती है, ये बात हम पहले कर चुके हैं। अगर हमने क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड करना है, इफ़ वी वांट टू फाइंड क्वार्टाइल डेविएशन इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो फॉर्मूला होता है टू डिवाइडेड बाई थ्री मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक हो गया। फिर हमें पता है जो टू क्वार्टाइल्स होते हैं वो इक्वी डिस्टेंस पर होते हैं किससे, मीन से। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमें देखना है कि मीन हमारा कहाँ पड़ा हुआ है, तो हमें पता है कि जहाँ पे हमारा हम्प होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक सिमेट्रिक कर्व है, तो इसलिए हमें पता है कि मीन यहाँ पर है और मीडियन भी यहाँ है और मोड भी यहाँ है। उसने कहा दो क्वार्टाइल्स, ये टू क्वार्टाइल्स में दो क्वार्टाइल्स आएंगे, Q1 आ जाएगा और Q3 आ जाएगा। हमें पता है Q1 लोअर क्वार्टाइल है, अगर ये मीडियन जो है, हमें पता है जो मीडियन है ये रिप्रेजेंट करता है किसको, Q2 को, तो ऑब्वियस बात है Q2 का जो मिड होगा वो हमारे पास Q1 होगा और Q2 से लेके ये मैक्सिमम तक जो इसका मिड होगा वो हमारे पास Q3 बनेगा। तो Q1 से यहाँ तक जो हमारे पास बनेगा जो हमारे पास गैप बनेगा वो हमारे पास बन जाएगा, हमें पता है कि 25%, Q1 से Q2 तक भी 25%, Q2 से Q3 तक 25%, Q3 से मैक्सिमम तक भी 25%। तो इस तरह 25, 25, 25, 25, 25, तो टोटल हमारे पास जो एरिया बन गया वो 100% बन गया, जो 100% परसेंटेज फॉर्म में है और ये इक्वल होगा 1 के, यानी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमें पता चला कि टोटल एरिया हमारा 1 के इक्वल होता है, ठीक है। आपने इस बात को देख लीजिएगा ज़रा, ठीक है। और नेक्स्ट फिर हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो पैरामीटर यूज़ करेंगे वो दो करेंगे, एक मीन इज इक्वल टू NP के इक्वल है जो कि बाइनोमियल वाला ही है, और स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन का वो इक्वल होगा NPQ के स्केयर रूट का। और ऑब्वियस बात है फिर यहाँ से वेरियंस क्या हो जाएगा, यहाँ से वेरियंस क्या हो जाएगा वो NPQ के इक्वल आ जाएगा, ठीक हो गया। फिर हमने देखा कि मीन की वैल्यू क्या होती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, हमने कहा 0 होती है, वेरियंस की वैल्यू क्या होती है वो 1 होती है, तो इसको इस तरह कुछ इस पैटर्न पे लिखा जाता है, ठीक है। अब यही चीज़ इंशाल्लाह आप जब ICAP का क्वेश्चन बैंक पढ़ेंगे तो ICAP के क्वेश्चन बैंक में आपको ये नज़र आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप कहाँ मिलेगा, ये आपको ICAP क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद हमने जब जी फाइंड करना होगा, तो जी फाइंड करना यानी कि जब हम जी की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि देखें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ें नॉर्मल की, तो जब हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का मतलब है हमने एरिया फाइंड करना है। किसके थ्रू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करेंगे, हम जी के थ्रू फाइंड करेंगे, हम जी के थ्रू एरिया फाइंड करेंगे, ठीक है। आपको पता है जी एट एक्सट्रीम, जो जी है वो एक्सट्रीम पर माइनस होता है, माइनस इन्फिनिट होता है, जैसा कि ये देखें ये माइनस इन्फिनिट है, बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट पर, एक्सट्रीम राइट पर ये क्या है
पॉजिटिव इन्फिनिट है, और जो सेंटर होता है ना, सेंटर में याद रखना है, सेंटर में जो जी होता है वो इक्वल टू जीरो होता है। अभी इंशाल्लाह इसके बारे में अभी मैं समझाने वाला हूँ कि जी जीरो यहाँ पर कैसे होता है, ठीक है जी। तो यहाँ पर अगर मैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की डायग्राम बनाऊँ, हमारे पास दो वैल्यू, जब हमने किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, अब हम प्रोबेबिलिटी वैल्यू से सॉल्व नहीं करेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हम प्रोबेबिलिटी सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग द एरिया, ठीक है। हम देखेंगे उन वैल्यूज का, उन रेंज का एरिया कितना आ रहा है, तो एरिया के लिहाज से हम उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। तो जब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो हमें दो चीजों का सामना करना पड़ेगा, एक या तो हमारे पास जी होगा, दूसरा या तो हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू ऑफ एक्स होंगे। जिस तरह एक्स इज इक्वल टू टू कह देता है, एक्स इज इक्वल टू एटलीस्ट टू कह देता है, एट मोस्ट थ्री कह देता है, इस तरह की एक्स की वैल्यूज हो जाएगी, ठीक है। याद रखना है, अगर उसने जी की वैल्यू दे दी तो ये जो सेंटर होता है यहाँ पे जी जीरो होता है, यहाँ पे जी जीरो होता है, ये बात याद रखनी इंपॉर्टेंट बात है। और ये जो सेंटर होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, यहाँ पे जो एक्स, यहाँ पे जो वैल्यू होते हैं ना एक्स की, यहाँ पे आता है पॉपुलेशन मीन आता है यहाँ पर। भाई ये दोनों जगहों को याद रखना है। अगर पूछा जाए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में सेंटर पे जी की वैल्यू क्या है, आपने कहना है जीरो। और अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में सेंटर में एक्स की वैल्यू क्या है, अपने सेंटर में तो मीन आता है, जैसे कि शुरू में आपको बताया कि देखें ये जो मीन आ रहा है, देखें सेंटर में आ रहा है, तो मीन क्या, कहाँ से आया, किस वैल्यू का है, या एक्स की वैल्यू का आया, ठीक है। तो मीन कहाँ हुआ, सेंटर पे हुआ, लेकिन अगर वहां पर हम जी की बात करें तो वहां पर जी हमारा क्या होता है, जीरो होता है, ठीक। अब आपके रह गए ये वाली वैल्यूज, ये याद, ये वही वैल्यूज हैं जो आपने चैप्टर नंबर 12 में याद की, आई कैप के क्वेश्चन बैंक में भी हैं। आपने अभी दोबारा फिर इनको, ये वो वाली एज इट इज वैल्यू, ये एज इट इज वैल्यू सारी, आपने फिर इनको एज इट इज याद कर लेना। मीन का सिंगल स्टैंड डेविएशन से कितना एरिया आता है, 68%। तो इसको हम इंशाल्लाह ग्राफ के थ्रू भी देख सकते हैं, अभी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जब समझ लग जाएगा तो ये सारी परसेंटेज कैसे आई हैं आपको ऑटोमेटिकली समझ लगता जाएगा, ठीक हो गया। अब चलते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन हम सॉल्व कैसे करें। प्रैक्टिस क्वेश्चन केस वन आपके सामने, इसके मैंने केसेस बना दिए हैं ताकि आपके लिए ज़रा बाइफर्केशन करना आसान हो जाए, आपके लिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन समझना आसान हो जाए, क्योंकि एंड में क्वेश्चन थोड़े से मिक्सअप हो जाएंगे, इसलिए मैंने पहले केसेस ही बना दिया ताकि आप हर एक डिफरेंट क्वेश्चन को डिफरेंट केस के साथ याद रख लें। केस वन क्या है, केस वन ये है कि वन जी इज गिवन, ये सबसे आसान केस है, सबसे आसान केस, जब जी गिवन कर दो। देखें एक्चुअल जो रूल होता है, सबसे पहले मैं रूल शेयर कर लूं फिर मैं इसके ऊपर आऊंगा। हमारे पास ना नॉर्मली एक्स की वैल्यू गिवन होती है और वो इस एक्स की हमसे प्रोबेबिलिटी रिक्वायर करता है, पूछता है हमसे। हमने कहा भाई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ना हम एक्स की प्रोबेबिलिटी तो फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नाम ही प्रोबेबिलिटी का फाइंड करना है कि हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे थ्रू एरिया। एरिया एक्स का तो नहीं है, जो हमारे पास एरिया गिवन है वो हमारे पास एरिया जी का गिवन होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जी तक पहुंचेंगे, हम जी तक पहुंचेंगे। सबसे पहले हम एक्स से जी पर आएंगे, जब हम जी पर आ गए, यानी कि जी पर आने का क्या मतलब, हमने यहां से जी वैल्यू को फाइंड करना, जी कोई भी वैल्यू होगी, वो वैल्यू क्या होती है इंशाल्लाह भी पता चल जाएगा आपको। जब हमने जी की वैल्यू तक पहुंच गए, फिर हमने क्या करना है, फिर हमने यूज करना है जी टेबल, फिर हम जी टेबल यूज करें। ये जो जी टेबल है ये हमें हमारे एरिया तक ले जाएगा, और ये जो एरिया होता है यही हमारी प्रोबेबिलिटी होती है, और यही हमारा सारा आंसर होता है, ठीक है, यही हमारा सारा आंसर होता है, ठीक है। तो अब यहां पर है क्या,
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल जी विल बी, उसने क्या किया, सबसे आसान बात उसने हमें जी गिवन कर दिया, उसने हमें जी यहां पर गिवन कर दिया। ठीक, जब उसने हमें यहां पर जी गिवन कर दिया, उसने हमें जी ही गिवन कर दिया, हमने कहा तो बड़ा आसान, यानी कि सबसे पहले मुझे एक्स को जी में जो कन्वर्ट करना पड़ना था, और एक्स जी में कैसे कन्वर्ट होता है, इसका एक स्पेसिफिक फॉर्मूला है जो कि केस टू में जिक्र करूंगा, केस टू में इंशाल्लाह वो डिस्कस करेंगे। अब उसने स्टार्ट कहां से लिया, उसने स्टार्ट कहां से लिया, उसने स्टार्ट लिया जी की वैल्यू से, कि जी की वैल्यू गिवन कर दिया। हमने कहा बड़ा आसान है, अगर जी की वैल्यू गिवन कर लिया तो हमारे पास ये काम क्या रह गया, हमने अब सिर्फ यूज करना है जी टेबल, हम सिर्फ जी टेबल यूज करेंगे, और जी टेबल को यूज करने के बाद हम क्या करेंगे, अपने एरिया तक पहुंच जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब जी एरिया आपके पास कहां से आएगा, अब जी एरिया तक पहुंचने के लिए ये जो जी एरिया है, ये एक वैल्यूज आपके पास एक सफा आएगा, पेज आएगा, उसके ऊपर कुछ वैल्यूज लिखी होंगी, ये उसी तरह की वैल्यूज होती हैं जिस तरह की हम लॉग की वैल्यूज 9-10 में एक सफे के थ्रू सॉल्व करते थे, कि यहाँ पे एक सफा होता था और हमें अगर लॉग की वैल्यूज वहां से फाइंड करनी होती थी तो हम वहां से लॉग की वैल्यूज फाइंड कर लिया करते थे। तो बिल्कुल उसी पैटर्न पर जी की वैल्यूज का हमारे पास एक पेज होता था। अगर आई कैप की जो स्टडी टेक्स्ट है, उस आई कैप की स्टडी टेक्स्ट पर आपने बिल्कुल लास्ट में जाना है, बिल्कुल लास्ट में आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जी टेबल गिवन होगा, तो वो जी टेबल क्या है आपने अपने सामने ओपन कर लेना, जैसे वो जी टेबल ओपन होगा सारी की सारी वैल्यू जी की आपको वहां से नजर आ जाएंगे। ठीक है, चले अब हम क्या करते हैं, अपने इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अपने इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हमने अपने क्वेश्चन को रीड किया कि क्वेश्चन है क्या, हमने कहा जो z है, ये जो z है ये 0 से ग्रेटर है लेकिन 1.20 से लेस है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या करना है, एक डायग्राम बनानी है, एक डायग्राम बनानी है, क्योंकि डायग्राम बनाएंगे तो बात समझ आएगी, उसके बगैर बात समझ नहीं आएगी। तो हमने एक डायग्राम बना ली। ठीक, तो जैसे हमने डायग्राम बनाई, अब हमने क्या करना है, अपनी इन वैल्यूज को क्या करना है, पुट करना है। ठीक है जी, तो उसने कहा जो जी है, जी वहां पर रखना है, जी को वहां पर रखना है ये जीरो से ग्रेटर हो। हमने कहा भाई जीरो तो ये होता है, यानी कि उसने जी की वैल्यूज गिवन की, हमने कहा जी यहां पे जीरो होता है, यानी कि जी जीरो से ग्रेटर हो, तो राइट साइड पर हमारे पास ये जो राइट साइड है यहां पर हमारे पास ग्रेटर वैल्यूज चल रही होती हैं, और ये जो लेफ्ट साइड है हमारा, इस लेफ्ट साइड पर हमारे पास हमारी स्मॉलर वैल्यूज चल रही होती हैं। ठीक हो गया जी, उसने कहा जी जीरो से ग्रेटर है, तो ग्रेटर है, मुझे राइट साइड पर जाना है, मुझे राइट साइड पर जाना है, कितना 1.2। अब 1.2 कहां पर है इसकी परेशानी नहीं लेनी, इसकी परेशानी बस अपने ये लेनी कि जीरो से राइट साइड पर, जीरो से राइट साइड पर कहीं भी बना ले, तो हमने यहां पर बना लिया, हमने कहा 1.2 हमारा यहाँ। ठीक हो गया, 1.2 हमारा यहाँ आ गया। जब 1.2 यहाँ आ गया तो अब हमें क्या चाहिए, एरिया फाइंड करना, कौन सा एरिया जो जीरो से ग्रेटर आ रहा हो और 1.2 से वो एरिया लेस हो। इट्स मीन हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया है वो कौन सा आ रहा है, वो ये वाला आ रहा है, ये वाला सारा एरिया हमारा रिक्वायर्ड एरिया, हमें अब ये एरिया चाहिए। अब ये एरिया जो है ये हमें कैसे मिलेगा, अब ये एरिया हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल से बनेगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल से मिलेगा। ठीक है, तो अब हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल में जाना है और ये देखना है कि जीरो से लेके 1.2, हमने जीरो को बिल्कुल नहीं देखना क्योंकि जीरो की वैल्यू, जीरो का एरिया कोई नहीं होगा, हमने सिर्फ इस 1.2 को देखना क्योंकि हमारा एरिया 0 से लेके 1.2 का है, तो हमने इस रेंज को देखना है कि ये वाला एरिया 0 से लेके 1.2 का हमारे पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल में कहाँ आता है। ठीक है, तो आपने अपने सामने क्या करना है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का
टेबल ओपन कर लेना, ठीक है। अब ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल कहाँ मिलेगा, ये आपको पता है कि बिल्कुल आपको आई कैप के स्टडी टेक्स्ट में, ये आपको पेज नंबर 454 पे मिल जाएगा, जो जी टेबल है, ये पेज 454 पर आपको नजर आ जाएगा, ठीक है नहीं? अच्छा, अब हमने करना क्या है, हमने अब इस 1.2 को अपने टेबल में देखना, इस 1.2 को अपने टेबल में देखना। अब 1.2 को Z के टेबल में देखने के लिए आपने करना क्या है, क्योंकि आपके पास अभी सामने टेबल नहीं है, तो मैं कुछ वैल्यूज को यहाँ पे आपसे शेयर कर दूंगा ताकि थोड़ा सा टेबल समझना आपके लिए जरा आसान हो जाए, ठीक है। अच्छा जी, वो वैल्यूज कुछ ये हैं हमारे पास कि हमने इस 1.2 को अब टेबल में देखना। अब टेबल के ना हमारे पास दो पार्ट होंगे, टेबल कुछ इस पैटर्न पर होगा, यहां पे 0.00 ये वाला कॉलम होगा, यहां पे 0.01 ये कॉलम होगा, यहां पे 0.02 ये कॉलम होगा, और इस तरह चलते चलते 0.09 पे सारा रो खत्म हो रही होती है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे z की होता है, उसने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा, z इज इक्वल टू x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ उसने, और यहाँ पे जो वैल्यू चल रही होगी 0.00 बिल्कुल 0.1 फिर 0.2 फिर 0.3 सोन चलते रहेंगे, फिर आ जाएगा 1.1 फिर आ जाएगा 1.2, ठीक है। और यहाँ पे सारी वैल्यूज आ रही होंगी इस तरह इस तरह, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे वैल्यूज आ रही होंगी, इधर ही वैल्यूज आ रही होंगी, इधर ही वैल्यूज आ रही होंगी। अब ये जी टेबल आपको कुछ इस पैटर्न पर नजर आएगा। अब आपने 1.2 को इस जी टेबल में देखना, आप देखें इस 1.2 को जी टेबल में देखने के लिए आपने जो फर्स्ट टू डिजिट होंगे 1.2 उसको आपने इन कॉलम में देखना, उन्होंने उसको आपने इस कॉलम में देखना, जो फर्स्ट टू डिजिट होंगे आपने फर्स्ट टू डिजिट्स को इन कॉलम में देखना। तो देखें 1.2 यानी असल में ये 1.20 है, 1.20 है, तो 1.2 का आ रहा है, तो देखें ये 1.2 ये आ रहा है। फिर तीसरा डिजिट बताएगा इस तीस थर्ड, देखें फर्स्ट टू डिजिट तो जो हैं वो तो पहले कॉलम से मिल गए, ये जो तीसरा डिजिट है 0 ये हमें मिलेगा यहां से यहां तक इस रो से मिलेगा, तो 1.2 ये 1.2 आ गया, उसके बाद 0 है यानी कि 0.00 तो हमें ये 0.00 में मिलेगा, ठीक है। तो 1.2 0.00 यानी कि ये जो वैल्यूज होगी ये हमारी z वैल्यू वैल्यूज होगी, तो देखिए वैल्यूज क्या है 0.3849, ये है 0.3849, तो ये वाला हमारा फिर हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, वो क्या आएगा 0.3849, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। होप सो आपको इसको इसकी समझ आई होगी, ठीक है। तो हमने क्या करना है, एग्जामिनर ने हमें जब z की वैल्यू गिवन कर दी तो हमारे लिए जिंदगी आसान, हमने ये देखना कि z की वैल्यू ग्राफ में कहाँ आ रही है, तो आपने इस पूरी इक्वेशन को रीड करना है, इक्वेशन कह रही है z वहां पर आएगा जहां ये 0 से ग्रेटर हो लेकिन 1.2 से लेस हो, तो हमने इसको यहाँ पे लोकेट कर दिया, ये 0 है, 0 से ग्रेटर हो तो 1.2 आ गया, यानी कि अब मुझे रेंज क्या चाहिए, मुझे 0 और 1.2 के दरमियान वाला ये वाला एरिया चाहिए, यानी कि ये वाला एरिया कितना रिप्रेजेंट कर रहा है 0.3849 यानी कि 38.49% ये मेरे पास मेरा आंसर आ गया, ठीक है जी। तो आपने क्या करना है 1.2 आपने कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट 1.2 को जी टेबल से देख लिया, और ये जी टेबल जो है आपको एग्जाम में गिवन होगा, ये एक पूरी बुकलेट मिलेगी उसमें कुछ फॉर्मूलाज होंगे और जी टेबल उसमें गिवन होगा, आपने वहां से चुपचाप 1.2 वैल्यूज देख लेनी है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि उसने कहा जो जी है ये 0 के इक्वल हो या लेस हो लेकिन -1.65 से ग्रेटर हो, हमने कहा डायग्राम बना लेते हैं, बाकी डायग्राम समझ लेते हैं।
हमने कहा ये तो हमारा सेंटर आ गया, यहाँ पे तो z जीरो हो गया, -1.65, तो -1.65 किस तरफ आएगा, लेफ्ट तरफ ही आएगा ना, ठीक है, माइनस लेफ्ट तरफ आता है और पॉजिटिव वैल्यूज राइट तरफ आती है टाइम स्केल में, तो -1.65 को कहीं पे भी ड्रॉ कर लें, यहां पे ड्रॉ कर लें बेशक, ठीक है, -1.65 ये z की वैल्यू, ये z की वैल्यू है, यहां पे यहाँ पे जी जीरो, इसका मतलब उसने कहा कि जी जो है जीरो से लेस हो, यानी कि जीरो से लेस मीन इस तरफ हो, लेकिन 1.65 से ग्रेटर हो, यानी कि 1.65 से ग्रेटर हो, यानी कि मुझे रिक्वायर्ड एरिया कौन सा चाहिए, अब मुझे जो रिक्वायर्ड एरिया चाहिए वो ये वाला चाहिए, अब ये वाला एरिया मुझे कहाँ मिलेगा, बड़ा आसान, सो सिंपल, जी में जाए और 1.65 को फोकस करें, माइनस को, ये जो माइनस साइन है, ये जो माइनस साइन है इसको क्या करना है, इग्नोर करना है, आपको पता है एरिया नेगेटिव नहीं होता, एरिया नेवर बी नेगेटिव, फिर ये माइनस क्या शो कर रहा है, ये माइनस पोजीशन शो कर रहा है कि माइनस साइन ये शो कर रहा है आपकी वैल्यूज ने लेफ्ट तरफ आना है, और माइनस का यहाँ पे और कोई कोई काम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम सी करेंगे, सी करेंगे 1.65 को इन z टेबल, हम 1.65 को z टेबल में देख लेंगे, ठीक है जी, 1.65 को z टेबल में देखेंगे, अब ये 1.65 आपको कहाँ नजर आएगा, वही रूल, सेम रूल ये है कि फर्स्ट टू डिजिट 1.6 को कॉलम में देखना है और इस 5 को, यानी कि 1.6 को कहाँ देखना है, आपने कॉलम में देखना है और 5 को कहाँ देखना है, आपने रो में देखना, ठीक है, तो 1.65, तो आपके पास अगर मैं कॉलम बनाऊं जल्दी से कुछ थोड़ा सा बना देता हूँ समझाने के लिए, तो 1.65 आपके पास यहाँ आ रहा होगा, इस तरह आ रहा होगा, 1.6 आ रहा होगा, उसके बाद आपने किसको लोकेट करना है, 1.65 है तो 1.6 ये आ गया, उसके बाद 5, तो यहाँ पे 0.00 ये आ रहा होगा, 0.1 ये आ रहा होगा, इसको भी छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो, 0.2 इसको भी छोड़ दो, फिर आ रहा होगा 0.5 का कॉलम, हाँ इसको पिक करना है, तो 1.6 के बिल्कुल पैरेलल चलना है, देखना है यहाँ पे वैल्यूज क्या आ रही है, तो हमारे पास आ रही है 1.65 में 0.4505, तो हमारे पास जो वैल्यूज आ रही है वो आ रही हैं 0.4505, ये वैल्यूज आ रही है, तो इसका मतलब हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया, 0.4505, तो ये आंसर आ गया हमारे पास, ठीक है, तो देखें साइड पे हमने आंसर भी लिखे हुए हैं ताकि चेक करते जाएं जरा, ठीक हो गया, होप सो इसका आपको समझ आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करें जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है z वहां होना चाहिए जहां ये प्लस 0.6 से ग्रेटर हो लेकिन 1.67 से क्या हो, स्मॉल हो, अब हमने इसको देखना, z जो है 0.6 से ग्रेटर हो लेकिन 1.67 से क्या हो, लेस हो, हमने कहा डायग्राम बनाएंगे तो पता चलेगा, ठीक है, तो डायग्राम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो जिसको डायग्राम बनाना और उसको समझ ना आ गया तो उसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी आ गया, ठीक हो गया, अब हमें पता है सेंटर में जी जीरो होता है, सेंटर में जी हमारे पास जीरो होता है, अब 0.6 है, ऑब्वियस बात है 0.6 एक पॉजिटिव वैल्यूज है और पॉजिटिव वैल्यूज ने राइट साइड पर आना है, इसका मतलब जीरो से राइट साइड पर 0.6 आएगा, तो 0.6 यहां पर आ गया, 0.6 आ गया, ठीक है, फिर उसने कहा z 0.6 से ग्रेटर हो और 1.67 से लेस हो, तो 1.67 हम यहां बना लेते हैं, 1.67 यहां बना लेते हैं, इट्स मीन मेरा एरिया क्या है, मेरा डिजायर एरिया ये वाला, मुझे ये एरिया चाहिए, ठीक है, अब जब मुझे ये वाला एरिया चाहिए
1.67 और 0.6 के बिटवीन एरिया चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1.67 का एरिया फाइंड कर लेंगे, फिर 0.6 का एरिया फाइंड करेंगे, और इस ग्रेटर में से ये वाला लोअर वाला एरिया माइनस कर दूंगा तो मेरे वाला एरिया आ जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा हमेशा जो जी एरिया बताता है, आपके एक और बात यहाँ पे बताता चलूँ, हमेशा याद रखिएगा जो जी ने हमें एरिया बताना है वो हमेशा जीरो से बताएगा, क्योंकि जीरो इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर मैं 0.6 का एरिया जानना चाहता हूँ तो देखें एरिया एक स्पेसिफिक वैल्यू का नहीं होता, एरिया एक रेंज का नाम होता है कि यहाँ से यहाँ तक का एरिया बताओ मुझे। फॉर एग्जाम्पल मुझे इस मोबाइल का एरिया बताओ, तो देखें कुछ यहां से यहां तक इसकी कोई रेंज होगी, मुझे इस कैलकुलेटर का एरिया जानना है तो यहां से यहां तक कोई रेंज होगी, तो किसी एक पॉइंट का कोई एरिया नहीं होता। मतलब मैं अगर सिंगल एक डॉट करूं, एक डॉट लगाऊं, मैं कहूं भाई इस डॉट का एरिया बताओ तो नहीं बता सकते, हम कहीं एरिया के लिए कोई ना कोई एक स्टार्टिंग कोई एंडिंग पॉइंट होना चाहिए। तो अगर मैं 0.6 का एरिया फाइंड करना चाहता हूं तो मैं कहूंगा भाई कहां से कहां तक का एरिया फाइंड करें, वो कहां से कहां तक का होगा, वो 0 से 0.67 तक होगा। फिर अगर मैं 1.67 का एरिया फाइंड करना चाहता हूं तो कहां से एरिया फाइंड करना शुरू करूंगा, मैं इसका एरिया फाइंड करना शुरू करूंगा 0 से 1.67 तक। लेकिन हमारा डिजायर एरिया कौन सा है वो ये वाला आपको पता है। मान लें थोड़ी देर के लिए ये ए है, ये बी है, और मुझे सी चाहिए, मुझे सी चाहिए। ऑब्वियस बात है, देखें जब मैं इस बी में से ये ए अगर माइनस कर दूं, इस बी में से ये ए माइनस कर दूं तो सी वाला एरिया नहीं आ जाएगा मेरे पास, बिल्कुल आ जाएगा। तो हमने ये करना है, जी एरिया देखना है कि 1.67 हमारे पास क्या आता है। 1.67 तो हम कैलकुलेटर पर गए और आपको पता है 1.6 पहले दो डिजिट कहां से मिलेंगे, कॉलम से मिलेंगे, तो इस तरह कुछ सूरत हाल होगी। आपने 1.6 को देखना है, फिर किसको देखना है, 7 को, तो 0.07 को आपने यहां से पैरेलल मूव करना है और यहां से डाउन मूव करना है, जो यहां पर इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर वैल्यूज जो आएंगी वो हमें वैल्यूज चाहिए होंगी, तो वो वैल्यूज देखते हैं क्या आते हैं। 1.67 पर, 1.67 पर 0.4525 आंसर आ गया, 0.4525 ये आंसर आ गया, यानी कि 1.67 का एरिया क्या आ गया, 0.4525। अब हमें एरिया चाहिए 0.6 का, तो 0.6 के एरिया के लिए फिर वही काम करेंगे, जीरो पॉइंट सिक्स के लिए बिल्कुल हम एज इट इज यूज करेंगे 0.6। अब 0.6 कैसे नजर आएगा, अब देखें 0.6, 6 में 60 होगा ना, ठीक है, तो इसके लिए क्या करना, चुपचाप 0.6 को यहीं देख लेना, 0.6 यहां से आ गया और 0.0 यहां से आ जाएगा, ठीक है, तो 0.6 आंसर आता है 0.2257, 0.2257 ये आता है, यानी कि 0.6 का एरिया क्या आ गया मेरे पास, 0.2257। ठीक है, अब ये वाला एरिया आ गया 1.67 और 0.6 का एरिया आ गया 0.2257, लेकिन हमें एरिया क्या चाहिए, हमें ये तो ए एरिया आ गया ना, यानी कि 0.2257 तो ए आ गया और 0.4525 तो हमारे पास बी आ गया, मुझे तो सी चाहिए, तो ये वाला सी कहां से आ रहा है, ये सी कहां से आ रहा है, ये देखिए यहां से यहां तक बी हो गया, और इसमें से यहां से यहां तक अगर मैं ए माइनस कर दूं तो ये हमारे पास सी आ जाएगा। तो अब सी फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ग्रेटर में से लोअर एरिया माइनस करना पड़ेगा, यानी कि बी माइनस ए करना पड़ेगा, तो अगर हम बी माइनस ए करें तो हमारे पास सी एरिया आ जाता है, तो बी क्या मेरे पास एरिया 0.4525 माइनस ए एरिया क्या है 0.2257, तो उनको जरा माइनस कर लें, देखा आंसर क्या आता है 0.4525 माइनस 0.2257,
तो हमारे पास एरिया आ गया 0.2268, 0.2268, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो देखें ये वाला हमारा आंसर, होप सो आपको इसको समझ लग गया होगा। ठीक है, तो अब तीन हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के ग्राफ पढ़ लिए, तो तीनों को जरा मैं जल्दी से एक फास्ट रिवाइंड करता हूँ। जरा देखें, अगर हमारे पास जीरो जो है 1.2 है, अब 1.2 को मुझे एरिया चाहिए, कहाँ से ऑब्वियसली चाहिए होगा, जीरो से चाहिए होगा ना, तो जीरो से 1.2 का, तो क्या करना है, अब चुपचाप 1.2 को जी टेबल से देख लिया। फिर अगर ये लेफ्ट साइड पर आ रहा है कोई मसला नहीं है, माइनस को इग्नोर करना है, 1.6 को डायरेक्ट आपने क्या करना है, जी टेबल से देख लेना। अब दो वैल्यूज आ गई हैं, लेकिन दोनों वैल्यूज देखें, अगर ये मैंने एक ग्राफ बनाया है, उस ग्राफ के मैंने दो हिस्से कर दिए, यानी कि देखें ये मेरी लेफ्ट साइड होगी, ये मेरी राइट साइड होगी। अगर दो वैल्यूज हैं, दोनों एक साइड पर आ रही हैं, तो इसका सिंपल सा रूल याद रखने एक, कि जो ग्रेटर होगा, ग्रेटर मीन जो दूर वाली वैल्यूज होगी, यानी कि सिंपल लफ्जों में इन दोनों वैल्यूज के एरिया का डिफरेंस ले लेना। डिफरेंस में क्या करना है, आपने सिर्फ गैप देखना है, पहले कौन सा एरिया रखना है, बाद में कौन सा एरिया रखना है। मतलब आप यही कह सकते हैं कि सर अगर हम 0.2257 को पहले रखें और 0.4525 को बाद रखें, तो एरिया नेगेटिव में आएगा, तो नेगेटिव में हमें पता है एरिया नहीं होता, तो क्या करना है, बस इन दोनों का डिफरेंस ले लें। जब भी दो वैल्यूज किसी एक साइड पर आ रही हैं, तो दोनों वैल्यूज के एरिया का डिफरेंस ले लीजिएगा, चुपचाप आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, उसने कहा जो जी है वो -1.3 से लेके 2.1 तक है, तो हमने कहा जरा डायग्राम बना लेते हैं, डायग्राम से जरा बात समझ लग जाती है। ठीक है जी, तो डायग्राम के लिए ठीक, और जैसे कि हमें पता है कि जी हमारा यहाँ पे जीरो होता है, ठीक हो गया। अब हमने देखना है कि हमारी वैल्यूज कहाँ पर आ गई, -1.30, -1.30 आपको पता है जीरो से लेफ्ट तरफ आएगा, तो यहाँ पे बना लेते हैं -1.30, और 2.18 आपको पता है जीरो से राइट तरफ आएगा, तो 2.18 यहाँ आ गया, सही हो गया। तो अब मुझे यहां से यहां तक का एरिया चाहिए, यहां से यहां तक का ये सारा एरिया चाहिए, सारा एरिया चाहिए मुझे। आपको पता है कि ये, अच्छा कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मैं यहां से यहां तक का एरिया डायरेक्ट निकालू, ऐसे नहीं निकालूंगा। देखें ये जो जीरो है ना, ये इंपॉर्टेंट, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है, हर एक एरिया यहां से स्टार्ट हो रहा होता है। तो इस 1.-1.30 का मतलब है कि सबसे पहले जो ये मैं एरिया कैलकुलेट करूंगा, ये जो मैं एरिया कैलकुलेट करूंगा 1.3 का, ये कहां से कहां तक करूंगा, मैं जीरो से यहां तक का करूंगा, और इस 2.18 का एरिया कहां से कहां तक कैलकुलेट करूंगा, यहां से यहां तक का एरिया कैलकुलेट, यानी कि -1.30 का सेपरेट एरिया यहां पर आएगा, 2.18 का यहां पे सेपरेट एरिया आएगा, फिर बाद में इन दोनों एरियाज को जमा करके कंबाइन एरिया आएगा हमारे पास, ये बात याद रखनी। ठीक है, तो लेट्स सॉल्व कि हमारे पास ये 1.30 का एरिया कहां से आता है, कैसे आता है, बड़ा आसान, जी टेबल में जाएंगे, जी टेबल में, तो जी टेबल में इस कॉलम में यहां पे जी की वैल्यूज होगी 1.3 नजर आ रहा होगा, आगे जीरो है, इसको जीरो जीरो में देखना है, तो यहाँ पे सामने आएगा पैरेलल, तो यहाँ पर एक वैल्यूज आ रही होगी जो बिल्कुल जीरो जीरो की डाउन होगी, 1.3 के यहाँ पर पैरेलल होगी, तो वैल्यूज कौन सी होगी देखते हैं। 1.30 पे 0.4032, 0.4032, यानी कि 1.3 का एरिया क्या आ गया, ये एरिया आ गया, वो क्या है, 0.4032। अब 2.18 का एरिया देखना है, ये वाला एरिया क्या आता है 2.18 का, तो 2.18 के लिए बिल्कुल वही काम करेंगे हम। ठीक है,
तो 2.18 के लिए यहाँ पर आ गया 2.18। अब 2.18 चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2.18 हमें कॉलम में नहीं मिलने वाला। कॉलम में हमें, याद रखिएगा, हमें इससे दो वैल्यूज मिलेंगी, टू वैल्यूज मिलेंगी कॉलम में। वो दो वैल्यूज कौन सी होनी है? वो दो वैल्यूज ये होंगी 2.1, यानी कि जो कॉलम में मिलेगा वो हमें सिर्फ 2.1 मिलेगा। अब 8 चाहिए, 8 कहाँ से मिलेगा? यहाँ पे मुख्तलिफ कॉलम्स बनते चले जा रहे होंगे, मुख्तलिफ कॉलम बनते चले जा रहे हैं, तो 0.08। तो देखें, तो 2.1 प्लस 0.08 तो बन गया 2.18। तो 2.18 से यहाँ से पैरेलल जाइएगा, यहाँ से 0.8 से डाउन आएगा, यहाँ पर एक वैल्यूज पड़ी होगी, जो आपकी वैल्यूज होगी वो कौन सी होगी वो देख लेते हैं। 2.18, तो 2.18.4854, और ये 0.4854, 0.4854। तो यानी कि इसका आंसर क्या आ गया, 0.4854। अब देखें, 1.3 का एरिया आ गया, यानी कि ये एरिया क्या है, 0.4032, और ये वाला एरिया क्या है, 0.4854। अब इन दोनों एरियाज को यहाँ से, अब मैं यहाँ से यहाँ तक का कंबाइन एरिया चाहिए ना, ये वाला सारा एरिया चाहिए मुझे, तो कंबाइन एरिया चाहिए। तो अब इन दोनों एरिया से क्या करें, आपस में प्लस कर दें, आपस में जमा कर दें। तो जमा करेंगे तो देखें, यही वाला एरिया आपके पास आ जाएगा, सॉरी ये तो ऊपर वाला आंसर था, ये वाला आंसर आ जाएगा आपके पास। चेक करें, आता है 0.4032 प्लस 0.4854, तो आंसर आ गया 0.8886। तो ये आंसर इस तरह हो जाएगा, ठीक है? तो आपने इस तरह देख लिया, ठीक है? अफसोस की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, वो कह रहा है के जी, हम कहते हैं जी बना लेते हैं, हमने कहा भाई जी तो यहाँ पे जीरो होगा ना, सबसे पहले हमने जीरो को टारगेट किया, जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है एरिया का। फिर वो कह रहा है -1.96 है और -0.84, हमने कहा दोनों माइनस आ गए, दोनों माइनस का मतलब ये है दोनों वन साइड पर आ गए, यानी कि -1.96 यहां पर आ गया, -1.96 यहां पर आ गया, और -0.84 यहां आ गया। तो मुझे एरिया चाहिए यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक कह रहे। उसने कहा जी 1.96 से ग्रेटर हो, यानी कि 1.96 से ग्रेटर जाना है, लेकिन -0.84 से लेस जाना है, यानी कि -0.8 से लेस। तो यहां से लेफ्ट तरफ जाना है, यहां से ग्रेटर जाना है, तो ये वाला एरिया मुझे चाहिए, ठीक है? अब ये वाला एरिया डायरेक्ट नहीं आएगा, ये वाला एरिया डायरेक्ट नहीं आएगा, हम क्या करेंगे, वन बाय वन हर एक का अलग अलग एरिया फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम 1.96 का एरिया फाइंड करेंगे। अब ये 1.96 का एरिया कहां से आएगा, हमें पता है जीरो से लेके यहां तक का आएगा एरिया, जीरो से लेके यहां तक का एरिया आएगा, ठीक? फिर -0.84 का अलग से करेंगे। अब उसका एरिया कहां से आएगा, उसका एरिया यहां से लेके यहां तक का आएगा। हमने हर एक का अलग अलग एरिया हमने क्या करना है, वो हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले फाइंड करता हूं 1.96। अब 1.96 का एरिया कहां से लेना है, जीरो से लेना, ठीक है? तो जीरो से लेके जब 1.96 का एरिया लेंगे तो माइनस आएंगे, इग्नोर कीजिएगा, जी में जाएं और चेक करें 1.96 का एरिया कहाँ आता है। और तो 1.96 के एरिया के लिए आपने फिर वही काम करना है, इस तरह कॉलम बना होगा जी का, और आपने फर्स्ट टू डिजिट उठाने 1.9, तो 1.9 आपको इस कॉलम में नजर आ गया। फिर क्या चाहिए, 6 चाहिए, तो यहां पर आएगा 0.00 होगा, आप देखें 0.06 पे जाना है, तो इस तरह ये 1.96 बन जाएगा।
तो यहाँ से पैरेलल जाइएगा, यहाँ से डाउन आएगा, यहाँ पर एक वैल्यूज पड़ी होगी जो कि 1.96 वाली होगी, तो चेक करते हैं कौन सी आती है। 1.96, 0.4750, 0.4750, यानी इसका एरिया आ गया 0.4750, ये इसका एरिया आ गया। ठीक है, अब मुझे चाहिए इसका एरिया पॉइंट माइनस 0.84 का। हमें पता माइनस को हमने इग्नोर करना, क्योंकि माइनस से ये बताता है कि हमारी पोजीशन क्या है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, उसके लिए हमने दोबारा कॉलम बनाया जी और 0.84। अब हमें क्या चाहिए 0.84, तो 0.8 यहां से मिलेगा, 0.04 हमें यहां से मिलेगा, तो बनेगा 0.84 बन जाएगा। ठीक है, तो 0.8 से पैरेलल जाना है, 0.4 से डाउन आना है, तो यहाँ पे एक वैल्यूज आ रही होगी। वो वैल्यूज क्या है देखते हैं, 0.84 वो वैल्यूज आ रही है, 0.295, 0.295 ये वैल्यूज आ रही है। तो इसका एरिया क्या आ गया 0.295। अब होर करें, देखें ये हमारा हाफ था, ये हमारा हाफ है, ये लेफ्ट साइड है, ये हमारी राइट साइड है। तो देखें दोनों वैल्यूज -1.96 और -0.84 दोनों लेफ्ट तरफ आ रही हैं। तो रूल क्या था, अगर दोनों वैल्यूज लेफ्ट तरफ आ रही हैं तो हमने क्या करना है, दोनों एरियाज का डिफरेंस ले लेना। वो दोनों एरिया का डिफरेंस क्यों लेना, इसके पीछे लॉजिक क्या है, वो लॉजिक ये है। देखें मान लें कि -1.96, ये -1.96 ये एरिया ए है, ये एरिया ए आ गया, 0.84 ये एरिया बी है, और मुझे चाहिए यहां से यहां तक एरिया वो मान ले सी है। अब मुझे सी एरिया फाइंड करें, सी एरिया कैसे आएगा अगर मैं इस ए में से ये बी वाला एरिया माइनस कर, तो यानी कि मुझे 1.96 वाले एरिया में से माइनस करना पड़ेगा इस वाले एरिया को, तो मेरा वाला ये डिजायर एरिया मेरे पास जो ये वाला एरिया है वो फिर आ पाएगा। तो हमने सिंपल सा रूल ही बना लिया एक, हमने कहा अगर दो वैल्यूज सेम साइड पर आ रही हैं दोनों एरियाज का डिफरेंस ले लो। ठीक है, तो डिफरेंस लेते हैं, आंसर क्या था 0.4750 -0.295, तो आंसर आ गया 0.0.1755, तो ये वाला हमारा आंसर आ गया। तो ये देखिए हमारा ये आंसर पड़ा हुआ। ठीक है, तो होप सो आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। ठीक है, बस ये लास्ट टू केसेस हैं, अगर ये भी आपको आ गए इट्स मीन आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एरिया फाइंड करना तकरीबन आ गया। ये छह डिफरेंट केसेस मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं, ये छह डिफरेंट केसेस सीख लें आपको पूरी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगी। इसके अलावा कोई मुश्किल चीज़ नहीं रह जाती, ये सबसे मुश्किल चीज़ है एरिया को आइडेंटिफाई करने, एरिया को फाइंड करना सीख। ठीक है, चले नेक्स्ट फाइंड करते हैं। अब वो कह रहे हैं जी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल है 1.96 से, इसका क्या मतलब है। हमने कहा मतलब तो ग्राफ बनाकर ही समझ लगता है हमें, हमने कहा जी यहां पे जीरो हो गया, फिर उसने कहा कि 1.96 से ग्रेटर है, तो हमने कहा ये प्लस है ना, तो हमें पता है 1.96 ही आ गया, 1.96 ही आ गया। उसने कहा जी 1.96 से ग्रेटर हो, यानी कि इस तरफ कह रहा है, ग्रेटर कहां तक, पॉजिटिव इन्फिनिट था, यानी कि मुझे ये एरिया चाहिए। हमने कहा भाई ये तो थोड़ा सा मुश्किल वाला काम हो गया, जी तो स्टार्ट ही जीरो से लेता और आपने तो जीरो की पोजीशन ही छोड़ दी, आप तो जीरो के कुछ पॉइंट बाद स्टार्ट ले रहे हो और 1.96 का इन्फिनिट तक एरिया मुझसे रिक्वायर कर रहे हो, हालांकि तुम्हें तो जी से लेफ्ट या जी से जीरो से लेफ्ट या जीरो से राइट करना चाहिए था, क्योंकि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट जीरो होता है, हम एरिया जो स्टार फाइंड करते हैं वो जीरो से फाइंड करते हैं। तो हमने कहा ये तो थोड़ा मुश्किल हो गया, तो हमने कहा कोई मसला नहीं है, हमारे पास एक हल है इसका, वो हल ये है, आपको पता है कि ये जो लेफ्ट और ये राइट दो एरिया ना, लेफ्ट वाला एरिया कितने परसेंट है आपको पता है 50% है, राइट वाला एरिया कितना है आगे पता 50%, दोनों एरिया 50-50% है। तो कह सकता हूं इस जीरो से लेके जी प्लस इन्फिनिट तक एरिया कितना है 50% है, और डेसिमल फॉर्म में कितना है 0.5।
यानी कि यहां जीरो से लेके पॉजिटिव इन्फिनिट तक हमारे पास 0.5 एरिया, और अगर मैं इस 1.96 को थोड़ी देर के लिए यही समझ लूं कि भाई 1.96 की जो वैल्यूज आएगी वो जीरो से लेके यहां तक तो मैं फाइंड कर सकता हूं ना, क्योंकि ये इस तरह वाली वैल्यू देखें मैंने शुरू में कैलकुलेट करवाई, ये देखें सबसे शुरू में, ये देखें पहली वैल्यू, ये चेक करें जरा 1.2, देखिए ये 1.2 कहां पड़ा हुआ है, जीरो से बिल्कुल यहां पे पड़ा हुआ है। तो ये 1.2 कैसे आया था, हमने कहा ये देखें जो हमने सारी वैल्यूज कैलकुलेट की थी 1.2 के लिए, तो देखें 1.2 यहां पे पड़ा था, ये 1.2 कैसे आया, हमने चुपचाप इसको जी टेबल में देखा 1.2 और ये वहां पर चुपचाप एरिया आ गया। तो यानी कि हमारे लिए तो बड़ा आसान हो गया, ये देखें ये तो बड़ा आसान हो गया हमारे लिए 1.96। तो क्यों ना मैं जीरो से लेके 1.96 का एरिया फाइंड कर लूं, तो ये अज्यूम करें यहां से यहां तक हमारा ए है और मान लें ये बी है और मान लें ये सी है, मुझे सी चाहिए, तो अगर मैं ए में से बी वाला एरिया माइनस कर दूं तो ये मेरा सी वाला एरिया आ जाएगा। तो 1.96 कैसे आएगा, ये आपको पता ही है, ये जी का कॉलम होगा, 1.9 यहाँ पर आ जाएगा, 0.06 यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ से पैरेलल जाएंगे यहाँ से डाउन आएंगे, तो ये हमारे पास हमारी वैल्यूज पड़ेगी। ठीक है तो देख लें क्या आती है, 1.96, 0.47, 0.4750, 0.4750 ये वैल्यूज आती है। तो इसका मतलब हमारा ये वाला एरिया क्या है, हमारा ये वाला एरिया क्या है, वो हमारे पास क्या आया, वो हमारे पास आ गया ये वाला एरिया जो है वो आया 0.4750। तो देखें यहां से यहां तक जो राइट वाला हाफ है वो कितना था, 0.5। अगर मैं 0.5 में से ये वाला एरिया माइनस कर दूं तो मेरा वाला एरिया ये आ जाएगा। तो क्या करूंगा, 0.5 माइनस 0.4750, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो चेक करें 0.5 माइनस 0.4750, तो आंसर आ जाएगा मेरे पास 0.025, 0.025। तो ये देखिए मेरे पास आंसर मेरा ये आ गया, समझ लगी। अगर सम टाइम हमने जीरो वाली पोजीशन छोड़ भी दी तो हम क्या करेंगे, हम एक वो हमें पता है एक हाफ 0.5 का, हमने 0.5 में से, क्योंकि 1.96 से ऑनवर्ड तो मैं जा नहीं सकता था, डायरेक्ट नहीं जा सकता था, अब मुझे इस ये वाला जो एरिया मेरा, अब मुझे इसको इनडायरेक्टली पहुंचना है, वो कैसे पहुंचूंगा, मैं 1.96 का पहले एरिया फाइंड कर लूंगा, तो 0.5 में से 1.96 वाले एरिया मुझे नहीं चाहिए, वो माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास मेरा वाला एरिया आ जाएगा, वो क्या है 0.025, यानी कि 2.5% आ जाएगा। ठीक हो गया, लास्ट पैटर्न का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन ये है कि उसने कहा जो z है वो माइनस 2.15 से क्या होगा, लेस होगा। तो हमने कहा भाई ये देखो माइनस 2.15 तो ये आ रहा है, उसने कहा z जो है वो लेस होना चाहिए, लेस लेस मीन ये वाला एरिया, ये वाला एरिया हमें चाहिए। हमने कहा भाई यहां से लेके यहां तक, माजरत बहुत बहुत माजरत, डायरेक्ट एरिया मैं नहीं बता सकता क्या आएगा। हाँ अगर तुम मुझे, हम उसे कहें भाई साहब अगर आप मुझे यहां से यहां तक का एरिया बता दो, अगर आप मुझे ये वाला एरिया बता दो ना, तो फिर मैं क्या करूंगा, मुझे पता है, मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है कि मेरा यहां से लेके ये लेफ्ट, यहां से लेके यहां तक 0.5 एरिया होता है।
एक लेफ्ट है ना, लेफ्ट साइड 50% होता है, 50% में 0.5। मैंने कहा 0.5 मुझे पता ये है, अगर तुम मुझे इसका एरिया बता दो तो मैं 0.5 से ये वाला एरिया माइनस करूंगा तो ये मेरा वाला एरिया आ जाएगा। तो हमने कहा भाई बता दे इसमें क्या मसला है, 2.15, तो 2.15 कैसे आ जाएगा, ये जी है 2.1, ये जी है 2.1, यहाँ से देखना 0.05 यहाँ से देखना, तो यहाँ से पैरेलल जाएंगे यहाँ से डाउन आएंगे, तो ये वैल्यूज हमारे पास पड़ी होगी। तो चेक करें 2.15 की वैल्यूज क्या आती है, टू पॉइंट वन फाइव की वैल्यूज आ रही है हमारे पास 0.4842, ये हमारे पास वैल्यू आ रही है। तो हमने कहा हमारा वाला एरिया ये है 0.4842, लेकिन मुझे तो नहीं चाहिए ना, मुझे तो मेरे या मुझे तो यहां से यहां तक ऑनवर्ड जाना है, तो क्या करूंगा इस 0.5 में से ये वाला एरिया माइनस कर दूंगा तो मेरा वाला डिजायर एरिया आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, 0.5 माइनस 0.4842, वो इक्वल आ जाएगा हमारे पास 0.5 माइनस 0.4842, तो आंसर आ जाएगा 0.0158, ये आंसर हमारे पास ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो आपने इन ग्राफ्स को अच्छे तरीके से समझाया, जिनको ये 6 ग्राफ समझ लग गए उनको पूरी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन समझ लग गई। अब ये 6 ग्राफ का जल्दी से ओवरव्यू ले ले मेरे से। ठीक है, नंबर वन केस ये था, फर्स्ट केस ये था कि जी जो है वो राइट साइड पे पड़ा हुआ था 1.2, तो 1.2 राइट साइड पे, कुछ नहीं करना, 1.2 को जी टेबल से देखा, हमारे पास ये एरिया आ गया। ठीक हो गया। सेकंड केस, जी लेफ्ट तरफ पड़ा हुआ था, ये जी लेफ्ट तरफ है, मुझे एरिया चाहिए कहाँ से, जीरो से, तो जी तो एरिया बताता है जीरो से, कुछ नहीं करना, 1.65 को जी टेबल में देखा, आंसर डायरेक्ट हमारे पास ये आ गया। सही हो गया, दो केस हो गया आसान सा, जो कि बिल्कुल जीरो के, एक जीरो के राइट पे पड़ा था, जीरो के लेफ्ट पे पड़ा हुआ था। उसके बाद जी जो है प्लस 0.6 से लेके प्लस 1.6 आए, यानी कि दोनों प्लस वाली वैल्यूज हैं, दोनों एक तरफ आ रहे हैं। जब दोनों एक तरफ आएंगी तो आपने कहा ना दोनों का 1.67 का अलग एरिया फाइंड कर लेना, 0.6 का अलग एरिया फाइंड करना है, दोनों एक तरफ आ रही हैं, दोनों वैल्यूज का डिफरेंस ले लो आप। नेक्स्ट, फोर्थ में एक माइनस में है एक प्लस में है, अगर एक माइनस हो एक प्लस में हो, यानी कि एक जीरो के लेफ्ट साइड पर आ रहा है एक जीरो के राइट साइड पर आ रहा है, अब दोनों एरियाज को ऐड करना पड़ेगा हमें, क्योंकि अब हमें ये कंबाइन एरिया चाहिए, ये कंबाइन एरिया सारा चाहिए हमें, तो दोनों को एरिया को ऐड कर दिया। फिफ्थ केस क्या था, दोनों वैल्यूज माइनस आ गई, माइनस का मतलब दोनों एक तरफ आ गई, जब दोनों एक तरफ आ गई तो दोनों एरियाज का डिफरेंस ले लें। तो देखें हमने बिल्कुल देखें डिफरेंस लिया हुआ इसका और इसका, तो ये आंसर आ गया हमारा। सिक्स केस में ये था कि अब वो जीरो से हट गया, यानी कि हमें एरिया रिक्वायर कर रहा है सेंटर से इनफिनिट की तरफ, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि हमारा एक हाफ 0.5 का, हम 0.5 बाय डिफॉल्ट हमें पता ही हमें पता है, हम 1.96 के लिए 0 से लेके 1.96 की ये भी रेंज फाइंड कर देंगे जो कि हमें नहीं चाहिए था, तो टोटल हमारे पास 0.5 है, उसमें से जो नहीं चाहिए वो माइनस कर दूंगा तो हमारा वाला एरिया आ जाएगा, तो यानी कि 0.5 में से माइनस कर दूंगा 0.5750 तो मेरा एरिया आ जाएगा। सेम इधर केस सिक्स में था, लेकिन सिक्स में क्या था, -2.15 से माइनस इनफिनिट की तरफ था, तो आपने क्या किया 2.15 का एरिया फाइंड किया जो कि हमें नहीं चाहिए था, 0.5 में से वो एरिया जो हमें नहीं चाहिए था हमने माइनस कर दिया, हमारा वाला एरिया आ गया। तो देखें 0.5 में से 0.4842 एरिया जो हमें नहीं चाहिए था माइनस किया, तो ये हमारे पास आ गया। ठीक है, तो स्टूडेंट तो आज के लिए हमारे पास यही है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इस सारे को अच्छे तरीके से आपने रिवाइज कर लेना है। ठीक है,
तो इससे ऑनवर्ड इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।